बाखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। कब्रिस्तान में दोनों के जवान आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से हो रही है जबरदस्त फायरिंग और जो वहां पर कब्रें हैं उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगे ये जवान। देखिए कैसे वहां पर उसकी आड़ में एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। ये कब्रिस्तान में रूस और यूक्रेन के जवान एक दूसरे के आमने सामने आ गए और आमने सामने की लड़ाई वहां पर होने लग गई। ये बाखमुत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बदला क्यों हम आपके लिए लेकर आए, क्यों ये हम बता रहे हैं कि पुतिन बदला लेने पर बिल्कुल अड़ गए हैं, बताएंगे आपको। देखिए मेरे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर हैं, आज डिफेंस एक्सपर्ट सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर राजन कुमार हैं, विदेश मामलों के जानकार, राजन जी आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त कमांडर अतुल भारद्वाज हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर सर आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हम इनके पास जाएं, इनसे बात करें, उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं बदले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। और वो खबर है नेटो की बढ़ती हिमाकत को लेकर पुतिन के एक्शन से जुड़ी हुई। वो एक्शन क्या है, जल्दी से ये खबर देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो की बढ़ती हिमाकत को लेकर पुतिन एक्शन में आ गए हैं। पुतिन ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। फिनलैंड और यूक्रेन पर बड़ा फैसला ले सकते हैं पुतिन। थोड़ी देर में टॉप ऑफिशियल्स के साथ पुतिन की एक बैठक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे पुतिन। कल फिनलैंड की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है नेटो में और आज रूस ने, कल ही यह खबर आ गई थी कि रूस ने आज के लिए, पुतिन ने आज के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। आखिर यह क्या प्लान है पुतिन का, यूक्रेन और नेटो की कमर तोड़ने के लिए पुतिन का क्या प्लान है, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं क्या है पुतिन का प्लान, पुतिन का प्लान 23। जल्दी से रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग बुलाई है पुतिन ने, उसके पीछे उनका प्लान क्या है। प्लान नंबर वन, फिनलैंड के खिलाफ मोर्चा खोलना, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया जो फिनलैंड नेटो में गया, उनका पड़ोसी। यूक्रेन में आक्रमण और तेज करना, यह नंबर टू उनका प्लान। प्लान नंबर थ्री, चार इलाकों में अभियान तेज करना, डोनेस, लुहांस, ज़ापोरिजिया और खेरसोन, जिनका एक्सेशन किया था उन्होंने। नंबर चार, डोनबास में आगे, डोनबास से भी आगे बढ़ने का प्लान बनाना। और नंबर पांच, नेटो के विस्तारवाद पर हमला करना। ये सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी वहां पर एक खबर आ रही है जो यहां पर हो सकता है।